जो मैं बार बार एक मौलाना रूबी का, उन्होंने जब कहा ना कि जब अल्लाह ने तुम्हें पद दिए हैं तो क्यों जमीन पे रिंग रहे हो, मतलब यह कि अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, अजीम मखलूक। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है जब इंसान गिरता तो जानवरों से भी नीचे गिर जाता। तो अपना मुकाम पहचानो, वो शुरू होता है ला इलाहा इल्लल्लाह से। उसने उन अरबों को पहले आजाद किया अंदरूनी तौर पे, बुत तोड़े। एक तो मक्का में बुत तोड़े, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के वो जो बुत थे वो तोड़े काबा के अंदर, लेकिन अंदरूनी तौर पे आजाद किया वो बुत जो सबसे खौफनाक बुत है, खौफ का बुत। मैं जब क्रिकेट खेलता था मेरे से बड़े बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी थे, लेकिन वो खौफ की वजह से ऊपर नहीं आ सके। बैट्समैन गेंद लगने से डरते थे, कि तेज बॉलर से बैट्समैन डरता था, ऊपर नहीं आ सका, खौफ को नहीं काबू पा सका, बड़ा खिलाड़ी नहीं बना। एक और था जो हारने से डरता था। ये याद रखें, मेरी जिंदगी गुजरी है मुकाबले में, जो हारने से डरता है उसको जीतना नहीं आता। कोई फौजी वो तब तक बड़े कारनामे नहीं अंजाम देता जब तक अपने मौत के खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। तो कैसे लड़ेगा अगर उसे मरने का डर लगा रहे, पहले वो अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है, फिर बड़े काम करता है। खालिद बिन वलीद शायद दुनिया की तारीख का इस जैसे जनरल आया ही कभी नहीं, वो हारा ही नहीं कभी। लेकिन उन दिनों में जब तलवारों से लड़ते थे खुद आगे लीड करता था, यानी तलवारों से सोचे या मुकाबले में वो खुद आगे लीड करता था। और क्यों? क्योंकि उसका खौफ का बुत खत्म हो चुका था, मौत का डर चला गया था। और जब खालिद बिन वलीद मरने वाले थे, हजरत उमर से बात कर रहे हैं, तो हजरत उमर वो कहते कि इतनी मैंने जंगें लड़ी, क्यों मैं इस तरह मर रहा हूं, मैं चाहता था कि मैं जंग में शहीद हूं। तो हजरत उमर ने उन्हें कहा कि देखो, तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा खिताब दिया हुआ था, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार, वो कैसे कोई उसको मार सकता था। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हजरत खालिद बिन वलीद का कोई जिस्म का हिस्सा ही नहीं था जिधर जख्म नहीं था, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। ये जब आपके जेहन में ये आ जाएगा, जब आपके जेहन में ये बात आ जाएगी, जब आपके जेहन में ये आ जाएगा कि इंसान से अल्लाह ने वो हक ही ले लिया मारने का किसी को, वो अल्लाह का फैसला है, वो या आपने तलवार से जाना या शहादत से जाना या कैंसर से जाना, वो अल्लाह का फैसला। इंसान को आजाद किया इस खौफ से। और दूसरा खौफ कि मेरी जी रोजी ना चली जाए। अब ये कई पुलिस वालों ने, रेंजर्स ने जुल्म किया, कितना एक और पता था गलत कर रहे हैं, औरतें बच्चे हैं, यहां शेल मार रहे हैं, वो पैलेट गन्स मार रहे हैं, पता था गलत है, लेकिन नौकरी ज्यादा, रिस्क ज्यादा अजीज थी, ईमान एतमाद नहीं था कि अल्लाह के हाथ में है रिस्क। अगर अल्लाह के ये आपको इतमाद होता, वो अपने जमीर की आवाज सुनता, बजाय ये कि किसी ऊपर जुराइम पेशा लोग उनको गलत ऑर्डर कर रहे हैं और उनके कहने के ऊपर बेकसूर लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं और उनको जख्मी कर रहे हैं, ये रोकता है। इसलिए इंसान ऊपर चला जाता है, जो अल्लाह को परमान रखने वाला आदमी, इसलिए वो अरब दुनिया की इमामत की उन्होंने, जिनकी हैसियत नहीं थी वो आजाद हो गए लोग। जिल्लत इज्जत जिल्लत, ये भी लोगों को खौफ है कि वो मुझे जलील कर देगा, वो मेरे किसी ने मुझे, ये जितने गंदे गंदे लोग हैं ये इनकी
पीडीएम के अंदर एक से एक बड़ा घटिया और जुराइम पेशा आदमी और गलत बातें करने वाला। कितनी इन्होंने हर रोज आप सुनते हैं टीवी पे मेरी ये तारीफें करते हैं, कभी क्या कर लिया इन्होंने मुझे पब्लिक में, तो और मकबूलियत हो गई क्योंकि जिद्दत जिद्दत अल्लाह के बगैर कोई किसी को नहीं दे सकता, इज्जत अल्लाह के हाथ में। तो ये मैं आप सबको पहले अपने आप को आजाद कर रही है खौफ से, ला इलाहा इल्लल्लाह बुत सबसे बड़ा खौफ का ये खत्म करें। दूसरा पैसे का बुत, ये पैसे की लालच की वजह से लोग अपने जमीन बेचते हैं। और तीसरा मैं का बुत, ये जो मैं ये भी बहुत बड़ा बुत है, फैसले इंसान ठीक नहीं करता। तो जो नमाज में आप मांगते ना अल्लाह वो रास्ते पे लगा, वो सारा वक्त आपको हर रोज क्यों पांच वक्त पढ़ते हैं, क्योंकि सारा वक्त इंसान को फैसले करने पड़ते हैं। और एक फैसला अब मैं आपको बताऊं, मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मुझे एक दफा पहला मैं कप्तान बना, किसी ने कहा जी हिंदुस्तान से बड़ा पैसा, उसने कहा कि जी आप एक टॉस का जुआ खेलते थे ना, तो एक टॉस का रिजल्ट बता दे हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। उन दिनों में बड़ा पैसा था, मैं आज से 40 साल पहले 10 लाख रुपया दे देंगे या 20 लाख रुपया। फिर मुझे साउथ अफ्रीका उन्होंने कहा कि आप उधर इमरान खान को उधर तुम आओगे, क्योंकि वहां नस्ल परस्त रजीम थी, बैन था, उन्होंने मुझे बड़े पैसे किए। तो सारा वक्त इस तरह के जमीर की आपके सौदा करने के लिए, सारा वक्त इस तरह की आपको रास्ते, ये आसान रास्ता होता है कि मैं वो रास्ते पर चलूं जल्दी से पैसा आ जाएगा। हर पुलिस वाले को रिश्वत देने का पैसा आ रहा होता है कि रिश्वत दूंगा तो पैसे बन जाए। ये याद रखिए, ये दो रास्ते हैं, एक आपकी तबाही का रास्ता है, दूसरी आपकी अजमत का रास्ता है। एक है जो हम शैतान का रास्ता कहते हैं, दूसरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। वो मुश्किल रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है, ये ना समझे वो आसान रास्ता है, लेकिन वही रास्ता आपको ऊपर लेके जाता है ना। आखिर में दुआ कर रहे हैं, अजान होने लगी है, रोजा खोलने से पहले सुने रोजा खोलने से पहले मेरी तीन दुआएं। सबसे पहले मेरे साथ मिलकर दुआ किया, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह, आप हाथ उठाए, अल्लाह अल्लाह में मेरे साथ भी मैं आमीन कहना अपने पास, अल्लाह पाकिस्तान को वो रियासत बना जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर खड़ी हो, आमीन। वो रियासत बना जिधर अदल और इंसाफ हो, आमीन। वो रियासत हो जिधर लोग हकीकी तौर पे आजाद हो, आमीन। और वो रियासत हो जिधर कोई भी पाकिस्तानी, चाहे उसका जो मर्जी दीन मजहब जो भी हो, कोई भी पाकिस्तानी भूखा ना सोए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह।